खबर शामिल करते हैं सियालकोट से। सियालकोट में एक इंतहाई अफसोसनाक खबर शामिल करते हैं, जहां पर फास्ट 10 न्यूज HD के ब्यूरो चीफ राज भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक मारूफ शायर, मौसीकार, ड्रामा राइटर, अदीब और दानिश्वर उस्ताद परवेज बज़मी 70 बरस की उम्र में खुदावंद में सो गए हैं। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं फास्ट 10 न्यूज HD के ब्यूरो चीफ रियाज भट्टी से। जी रियाज भट्टी, ज़रा तफ़सीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मरूफ शायर, मौसीकार, ड्रामा राइटर, अदीब, दानिश्वर उस्ताद परवेज बज़मी 70 बरस की उम्र में खुदावंद में सो गए हैं। परवेज बज़मी का शुमार दुनिया भर के मरूफ मसीह शायरा में होता है और फ़नी मसीकी मन की तलीमात तालब इल्मों के लिए मसाली थी। सियालकोट की तहसील पसरूर में पैदा हुए और वालदैन सियालकोट में आगे परवेज बज़मी ने तलीमात सियालकोट से हासिल की। परवेज बज़मी नहायत मिलनसार और हसमुख इंसान थे। मरहूम की आखिरी रसूमात कैथीड्रल स्कूल No. 1 क्रिश्चियन टाउन सियालकोट में अदा की गई। रेवरेंड फादर अशरफ गिल, रेवरेंड फादर आबद अलबर्ट, रेवरेंड फादर जुवेद अकरम, रेवरेंड फादर फैसल ने परवेज बज़मी की आखिरी रसूमात में पाक मास की कुर्बानी गुजारी और जनाजे की रसूमात के दौरान उनकी हालात ज़िंदगी को बयान करते हुए बताया गया कि वो मुकस्सा माँ मरियम के कीदतमंद और रोज़री के पान थे। उनकी शारी मसाली थी और फ़न मसीकी में उनका कोई सानी ना था। उन्हें कौम की तरक्की की फ़िक्र रहती और दूसरों के दुख दर्द के हल के लिए जदोजहद में लगे रहते थे। उन्होंने मसीकी की इब्तदाई तलीम पंडित क्यूम से हासिल की और मसीकी में उनका अंदाज दिल मोह लेने वाला था। परवेज बज़मी के आखिरी रसूमात में पादी शफान साबर, पादी शकील बाबू, फजाल बाबू अख्तर, रमज़ान बाबू आसम, पादरी असलम, डॉक्टर जीनो नईम, डॉक्टर मुनवर जान, डॉक्टर आसिन, प्रोफेसर लावी, प्रोफेसर गुल परवेज, प्रोफेसर सलीम डेविड, शहजाद खुरम, फ्रांसिस साहिल, अरशद सानी, जवेद गुल, चांद महमूद, डॉक्टर शाहिद परवेज, राशिद चौहान, जाहिद भट्टी, जफर कबाल, आसफ नाजर, यूनिस भट्टी और जीजो कारब के अलावा मरूफ शायरों, दीबों, गुलकारों, सहाफ़ियों, वकला, टीचर्स और तमाम शोबा ज़िंदगी से तलक रखने वाले अफराद ने बड़ी तादाद में शिरकत की। परवेज बज़मी की भाई आरफ भट्टी ने मीडिया को बताया कि परवेज बज़मी के बिछड़ जाने का बड़ा सदमा हुआ है, उन जैसा भाई कभी नहीं मिलेगा। मरहूम ने ख़ानदान के वक़ार को बढ़ाने के लिए अपनी बेशुमार खिदमात को पेश पेश रखा। हमारी दुआ है कि खुदा उन्हें अपने मुकद्दसीन में शामिल करे। आए हुए तमाम मेहमानों का मशकूर हूँ जो हमारे दुख में शामिल हुए। इस मौके पर सोगवार को परवेज बज़मी का आखिरी दीदार करवाया गया और उन्हें शाहाना लिबास में आहों और सिसकियों में उनके आबाई कब्रिस्तान कैंट सियालकोट में सैकड़ों की तादाद में ही मौजूदगी में सुपुर्द-ए-खाक कर दिया गया। जी